तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही अलग तरीके से बेसन की सब्जी, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है और घर के कुछ बेसिक सामानों से ही ये बनके तैयार हो जाता है। आपने बेसन की सब्जी बहुत ही अलग-अलग तरीकों से बना के खाई होगी, पर एक बार आप इस तरीके से बना के खाइए, इसका टेस्ट बिल्कुल और बेसन की सब्जियों से डिफरेंट लगता है और खाने में बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम लेते हैं, जितने मेंबर आपके घर में हैं आप उसके अकॉर्डिंग बेसन ले लीजिए। मेरे घर में 5 लोग हैं तो मैं 1 कटोरी बेसन ले रही हूँ। 1 कटोरी बेसन में मैं थोड़ा सा डालूंगी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच ही हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। आधा चम्मच इसमें हम फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच ही केवल इसमें हम तेल डालेंगे, बस 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और बेसन चूंकि बहुत कम पानी सोखता है, इसलिए इसमें हम बहुत ध्यान से पानी डालेंगे, बहुत धीरे धीरे, और इसका बिल्कुल पेस्ट जैसा या गीला या कोई डो नहीं बनाना है, इसको हम बिल्कुल भुरभुरा डो बनाएंगे, जो कि बिल्कुल क्रम्बल रहेगा, कोई डो के शेप में नहीं बनाएंगे हम इसको। तो देखिए, पहले इसको हम हाथों से ऐसे मसल लेंगे और फिर इस पे हम पानी का छींटा डाल डाल के इसका भुरभुरा सा डो बनाएंगे। तो आप देखिए, मैंने इसको गूथ लिया है और ये ऐसे ही इसको करेंगे, ये इसको कोई डो के साइज में नहीं बनाना है, ये ऐसे ही बनेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको कोई सा भी शेप दे देंगे, आड़ा तिरछा कैसे भी आप इसका शेप दे दीजिए, ऐसे शेप दे दीजिए, ऐसे तोड़ तोड़ के रख दीजिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा तिरछा या ऐसे रहेगा ना, तो इसमें मसाले और जो आपका ग्रेवी है वो इसके अंदर तक जाएगा, तो इसलिए हमें इसे कोई शेप नहीं देना है, बस ऐसे ही तोड़ देना है। और फिर इसको हल्का फ्राई करना है, बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कितना फ्राई करना है, बस इसको ऐसे ही हम सारे को तोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ तेल गरम हो गया है और अब इन गरम तेल में मैं इनको तल लूंगी। तो मैंने इनको कोई शेप नहीं दिया है, आप देख रहे हैं, मैंने इनको कोई शेप नहीं दिया है, बस मैंने इसको ऐसे ही तोड़ दिया है। आप भी इसको सारे को ऐसे ही तोड़ दीजिए और इसको बिल्कुल हल्का फ्राई कीजिए। इसको फ्राई करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, तो इसको बिल्कुल हल्का फ्राई करना है कि दोनों तरफ ये बिल्कुल लाइट फ्राई हो, गोल्डन फ्राई ना हो। तो देखिए, ये फ्राई हो गया है और बस इसको इतना ही फ्राई करना है और अब इसको हम निकाल देंगे और ऐसे ही हम सारे को तल लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे तल लिए हैं और अब इनकी ग्रेवी बनाते हैं। तो चलिए, पहले इसमें हम तड़का लगाते हैं। तो इसमें हम डालते हैं आधी चम्मच जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक लाल साबुत लाल मिर्च और एक तेज पत्ता, इन सबको हम गरम तेल में डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, जो कि लंबे लंबे मैंने साइज में काट लिया है, इसको डाल देंगे। देखिए, प्याज को भूनना बहुत जरूरी है और प्याज बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, तो प्याज को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से भून देंगे और इसी में डालेंगे हम 2 हरी मिर्च कटी हुई। और इसके साथ ही ये एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची और 3 से 4 लौंग है, इसका पेस्ट बना लेंगे हम। इसका स्वाद इसमें बहुत अलग आता है, तो इसमें ना दालचीनी डालेंगे ना और कोई मसाले, बस यही 3 मसालों का हम पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, ये प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया है, अब इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट।
और इसको भी अच्छे से भून देंगे। तो देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून गया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और इसी के साथ हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर डालिए और 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च और इसी के साथ इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने बेसन में भी नमक डाल रखा है और इन सबको हम धीमे धीमे आंच पे अच्छे से भून लेंगे ताकि मसालों में से तेल रिलीज हो जाए। और इन मसालों के साथ ही हम डाल देंगे जो मैंने 1 बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 2-3 लौंग को पीसा था वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसको भून देंगे। इस मसाले से इस सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए पर ये मसाला आप देख रहे हैं चारों तरफ से इसने तेल छोड़ दिया है और अब इसमें हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे। ये ग्रेवी के लिए नहीं डाल रहे हैं, मसालों को और अच्छे से गलाने के लिए डाल रहे हैं। तो इसमें मैं और 1/2 कटोरी ये पानी डाल दूंगी ताकि मसाले बहुत अच्छे से गल जाए और इसको कुछ देर के लिए 1 मिनट के लिए हम और इसको ढक के पका लेंगे धीमी धीमी आंच पर ताकि इसका मसाला बहुत अच्छे से गल जाए और ग्रेवी बहुत अच्छी और बहुत क्रीमी ग्रेवी बनके तैयार हो। तो इसको ढक के हम और 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए मसालों के साथ मैंने इसको 2 मिनट और पका लिया है और इसको हम ऐसे चिकना वाला कोई पलटा लेके या कलछी लेके और इसको ऐसे ऐसे करेंगे ताकि जो भी प्याज और टमाटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और ये मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल रेडी है। और इसमें अब हम इसी समय डाल देंगे बिल्कुल जरा सा गरम मसाला, तो हम बिल्कुल 1/2 टीस्पून से भी कम है ये गरम मसाला और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और इसको मिक्स कर देंगे और अब जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस अकॉर्डिंग इसमें हम पानी डाल देंगे। मैं अभी इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आपको अगर ग्रेवी कम लगे तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसी समय जो मैंने फ्राई करके रखा था उसे भी हम इसी समय इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कम से कम 5 से 6 मिनट पकने देंगे। तो चलिए 5 से 7 मिनट इस सब्जी को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए हो गया, अब मैं आप इसको खोल के दिखाती हूँ। देखिए सब्जी को, इसका कलर देखिए और ये बेसन बिल्कुल ही गल चुके हैं, टाइट बिल्कुल नहीं है ये बेसन। देखिए सब्जी, तो एक बार आप इस तरीके से इस सब्जी को जरूर बनाइए। एक बार जब बना के आप इस सब्जी को खाइएगा ना तो यकीन मानिए आप जब भी बनाइएगा बेसन की सब्जी इसी तरीके से बनाइएगा। तो देखिए ये बेसन की सब्जी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, आप इसको चावल चपाती किसी के साथ खाइए और एक बार आप इस सब्जी को जरूर बना के खाइए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है, बाकी सब्जी बेसन की सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है और इसका स्वाद भी बिल्कुल अलग होता है। और अगर आपको मेरे चैनल पे बनी हुई रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।